चलो हम आपकी थोड़ी सी टेस्ट लेते हैं, छोटी सी एक स्टोरी बताती हूँ। कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन थे और वो रॉक क्लाइंबिंग कर रहे थे ऑन स्नो क्लैड माउंटेन्स, बर्फीले पहाड़ों पर स्नो की रॉक क्लाइंबिंग कर रहे थे। उसमें से एक का बेचारे का एक्सीडेंट होता है, वो स्लोप से So this fellow starts screaming and shouting for God. भगवान प्लीज मुझे बचा लो, मैं तो मर जाऊंगा, मेरे हाथ देखो ये। जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है। और फिर लॉन्ग टाइम ईश्वर की आवाज आ जाती है, थोड़ा सा शांत रहो। लेकिन मैं जो कहूंगा वो तुम करोगे? तो हाँ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं तो अभी मर ही जाऊंगा। I'll do anything you say, please tell me. फिर जब रेस्क्यू टीम आ गई देखने के लिए बच्चे का क्या हो गया, तो वो चिपका हुआ था डेड, ऑफ कोर्स वो बच्चे के बाहर चिपका हुआ था डेड, एंड ही वाज ओनली 2.5 feet अवे फ्रॉम द ग्राउंड। लेकिन जब आपका टेस्टिंग टाइम आता है तब आपकी श्रद्धा डगमगाती है। Is that not right? Any time in Gurjar, which is a extended suburbs of Mumbai, and यहाँ पे बहुत सारे हमारे सेवक भी हैं, तो हमारे गुरु हैं मैत्रेय दादाश्री जी। मैत्री बोल दरबार वालों की कहना चाहते हो कि मैसेज की देने की कोशिश की थी क्या? आज फिक्की फ्लो वाले ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, ते इधर मैत्री बोध परिवार तो स्मिता जैकर जी ने बुलाया गया, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा सीकर सीगे 10 साल पहले। उन्होंने भी जिस तरह की खोज सी कि मैंने अंदर कुछ चाहिए की चाहिए नहीं पता, इस तरह ही मेरी भी खोज सी कि अंदर की चाहिए, जिस तरह मैं मेडिटेशन भी पहले भी कर दी सी पर अंदरों की चाहिए नहीं पता। तो सो असी अपने आप नू अज पा सकियां, अंदर अपने आप नू जान सकियां। तो मैत्री बोध परिवार का इको ही इको काम है कि अपने नाल जुड़ना, अपने नाल मिलना, अपने आप नू समझना। सो मैं सारे नू यही रिक्वेस्ट करांगी कि असी अपनी बॉडी वास्ते बहुत फिटनेस वास्ते बहुत काम करते हाँ, असी अपने नू सुंदर बनाने वास्ते बहुत काम करते हैं, जोड़ा कि बहुत ही जरूरी है। पर कभी असी उस सोल बारे सोचे जिद की किन्नी जन्मा की यात्रा है कि वो अंदरों कुछ लभ रही है, क्योंकि उस सोल नू सिर्फ और सिर्फ वो जुड़ना है। साढ़े अंदर बहुत ही कुछ पिछले जन्मा का इस जन्मा का अंदर इकट्ठा होया हुंदा है, जिदे नाल कि साड़ी नेचर बनती है। किसी नू बहुत गुस्सा आता है, कोई ईगो च ही रहिंदा है, कोई जेलेसी विच रहिंदा है। सो साडा यही मैसेज है कि अज अपने आप नू देखिए, अपने आप नू पछाणिए, अपने आप नाल जुड़िए, तो अपने ही वास्ते काम करिए। सो अज इट इज़ द नीड ऑफ आर ट्रांसफॉर्मेशन, कि जिहड़ी ट्रांसफॉर्मेशन अज दे टाइम की बहुत ज़्यादा जरूरत है कि असी परमात्मा दे नाल जुड़ सकीए, उस नू जान सकीए। सो असी अज बड़े ही प्रोग्राम करवाते रहने। सो 5th और 6th August नू असी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का असी वो प्रोसैस करवा रहे हैं रणजीत विला विच, ते साडा यही मकसद है कि परमात्मा दे नाल जुड़िए, अपने अंदरों जितने ही ऑब्सटेकल्स है जोड़े कि साड़ी ग्रोथ विच बाधा बनते ने, साडे ऑब्सटेकल्स निकलते हैं ता कि असी अपनी लाइफ विच ग्रो कर सके मैंटली फिजिकली इमोशनली। सो यही एक कारण सीगा कि लोगों को जागरूक करिए कि असी अपने जन्मा जन्मा दे ब्लॉकेजेस निकालिए, सो असी इस लाइफ विच ग्रो कर सके। सो संदेश तो इतना बड़ा दिया मैंने अभी, अरे वापस से मेरा संदेश है, मेरा संदेश नहीं है बट मेरा ये रिक्वेस्ट है और कहना है, मतलब विनती है लोगों से कि अपने आप से कनेक्ट करिए, अपने डिवाइन से कनेक्ट करिए, आपके आंतरिक स्थिति से कनेक्ट करिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स बाहर की दुनिया की बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। और इसके लिए ये करने के लिए आपको किसी की मदद लेनी पड़ती है। तो हमारा ये प्रोग्राम यहीं पे अमृतसर में होने वाला है इसी प्रोसेस के लिए कि आप कैसे कनेक्ट करेंगे आपके ईश्वर के साथ, या आप अंदर से जो इतना कचरा भरा है उसको निकालना, जो अवेकनिंग और प्यूरिफिकेशन 5 और 6 को यहाँ पे होने वाला है। इसको मेरी विनती कि आप उसको सिर्फ अटेंड कीजिए, हमारे साथ जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारे मास्टर के साथ जुड़ने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ इस प्रोग्राम को अटेंड कीजिए, बस बस अटेंड कीजिए और खुद जान जाए। जैसे मैंने अभी बोला मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। फिक्की फ्लो के बारे में बताएं, इवेंट है फिक्की फ्लो के टीम के बारे में जी। फिक्की फ्लो वाला ने बड़ा अच्छा, बहुत ही बढ़िया,
फिक्की फ्लो वाला ने बहुत ही बढ़िया किया, बहुत ही ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज प्रोग्राम, और फिक्की के सारे अगर मेंबर्स हैं तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको अटेंड किया, बहुत अच्छी तरह से। आई एम वेरी प्राउड ऑफ फिक्की फ्लो, ये बहुत अच्छी तरह से किया ये प्रोग्राम, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। नौजवानों को क्या संदेश देना चाहिए? नौजवान ज़्यादा पीढ़ी मोबाइल पर रह गई है, काम भी करने में नहीं जा रही है। हाँ, यही प्रॉब्लम जो है ना, ये अभी ऊपर वाले के हाथ में प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा है आप लोगों की प्रॉब्लम। तो इसके लिए मैं बोलती हूँ, यूथ हो या बड़े हो या कोई भी हो, ये दो दिन का प्रोग्राम आप अटेंड कीजिए और फिर देखिए बदलाव जो चाहिए वो बदलाव हमारे अंदर बदलाव आना चाहिए और मास स्केल पे आना चाहिए। तो मास स्केल पे आने के लिए सिर्फ ये कोई है ऊपर वाली शक्ति, वो कर सकती है। तो अभी अब तुम्हारे वतन हवाले वतन साथी हो जैसी वाली बात है ना, तुम्हारे हवाले हमारा वतन साथी हो। थैंक यू।